चलिए गाइस, देखते हैं कि हम अपने ब्यूटी ब्लेंडर्स और मेकअप ब्रशेस को किस तरह से क्लीन कर सकते हैं। हम जब भी मेकअप करते हैं, मेक श्योर कीजिएगा कि आपके ब्यूटी ब्लेंडर्स और ब्रशेस बिल्कुल भी क्लीन हो। तो मैं हर हमेशा महीने में एटलीस्ट एक बार जो है अपने ब्रशेस क्लीन करती रहती हूँ। रिसेंटली मैंने मेरे ब्रशेस क्लीन कर लिए थे, थोड़े बहुत थे जो मैं 1 वीक से यूज़ कर रही हूँ, तो मैं इसे भी अभी क्लीन करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं मैं कैसे इसे क्लीन करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है एक बर्तन, इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं हैंड वॉश जो संतूर का है। आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी लिक्विड लिक्विड जो भी आपके पास डिटर्जेंट होता है वो भी डाल सकते हैं। इफ़ नॉट आप डाल सकते हैं जो भी पाउडर डिटर्जेंट आपके पास होता है वो डालिए। अच्छे से इसे मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद इस अपने ब्यूटी ब्लेंडर्स और ब्रशेस को इसमें डाल दीजिए और इसे अच्छे से सोक होने दीजिए गाइस। तो मैं इसे 10-15 मिनट्स के लिए सोक होने देती हूँ, बाद में हम इसे क्लीन करेंगे। तो 5 मिनट से करीब ये सोक हो रहे हैं गाइस। ब्रशेस को आप ज़्यादा पानी में सोक मत कीजिएगा, क्योंकि ये सारे जो हैं नीचे से गम से लगे होते हैं। अगर आप ज़्यादा सोक करेंगी तो निकलने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो थोड़ा ऊपर से हल्के हाथों से रब करते हुए इसे आप क्लीन कर लीजिएगा। ब्यूटी ब्लेंडर्स को आप कितना भी समय रखें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए मैं इसे जल्दी से निकाल रही हूँ। सिर्फ मैंने इसे 5 मिनट्स रखा था बस। इस तरह से आप अपने थंब के हेल्प से इसे क्लीन कर लीजिए। ज़्यादा इससे इसमें भी हार्श मत हुईजिए, ठीक है। देन आप जितना खाने पीने में हाइजीन यूज़ करते हैं वैसे ही हमारा मेकअप भी होता है गाइज। इवन दो स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, पतली होती है, तो क्या है बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर देती है। तो मेक श्योर आप अच्छे क्लीन ब्रशेस अपने स्किन पे यूज़ कीजिए ऑलवेज। देखिए ये सब कुछ बाहर, मतलब ये ब्लेंडिंग ब्रश है मेरा, पूरा अच्छे से लिक्विड इसमें से जो भी था वो निकल रहा है, आप देख सकते हैं। थोड़ा स्क्वीज कर दीजिए, स्क्वीज करने से ये जल्दी जल्दी निकल जाएगा। मैंने रिसेंटली जो है मेरे सारे ब्रशेस क्लीन किए थे, तो ये जो बाकी है वो मैं क्लीन करने वाली थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि सालों से सेम ब्रशेस यूज़ करते हैं और उसे एक बार भी क्लीन नहीं करते, तो पता नहीं होता है क्लीन करना है या नहीं करना है या कैसे करना है, नहीं पता होता है। तो डेफिनेटली देखिए और आज ही अपने सारे ब्लेंडर्स को और जो भी आपके पास ब्रशेस है उसे क्लीन कर दीजिए गाइस। देखिए सब कुछ अच्छे से निकल रहा है, ऐसा स्क्वीज कर करके आप निकालेंगी तो सब कुछ अच्छे से निकल जाएगा। तो मैं पूरा क्लीन से अच्छे से इसे क्लीन करने के बाद आपको मिलती हूँ। तो मैंने सारे ब्रशेस क्लीन कर लिए गाइज। मैं और एक बार साफ पानी में डाल के इसे क्लीन करने वाली हूँ। मैं आप भी ऐसे ही कीजिए, 2-3 पानी में इसे डाल के जो भी आपने डिटर्जेंट डाला है उसका भी जो है पूरा निकलना चाहिए। इस तरह से आप क्लीन कर लीजिए। मैं यहाँ पे एक बार साफ पानी में, देखिए और भी बहुत ज़्यादा पफ में जो है जो डिटर्जेंट था वो सब इसमें और भी है। तो इस तरह से पाक पानी में डाल के आप 1 से 2 बार अच्छे से इसे वॉश कर लीजिए। सारे ब्रशेस अच्छे से क्लीन करने के बाद मैंने इसे बाहर रख दिया है चेयर पे इस तरह से। तो आप वेट कीजिए 1-2 घंटे का, जिससे ये अच्छे से ड्राई हो जाए। धूप में ज़्यादा मत रख दीजिएगा, ऐसे ही रखिए, हवा से सूख जाएंगे ये। उसके बाद मैं आपको ये सूखने के बाद बताती हूँ। तो मैंने इस ब्रशेस को अच्छे से रात भर सुखा लिया है गाइस। आप देख ही सकते हैं एकदम क्लीन हो गए हैं और अच्छे से ड्राई भी हो गए हैं। अगर ड्राई नहीं भी हुए हैं तो आप एक बार आपके पास अगर हेयर ड्रायर है तो उसके हेल्प से एक बार अच्छे से इसे ड्राई कर दीजिए। और हर हमेशा क्लीन और अच्छे साफ़ सुथरे ब्रशेस ही अपने फेस पर यूज़ कीजिए।